हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पाया, बिकॉज शूटिंग शेड्यूल बहुत ही टाइट हैं, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। अपन अपने पढ़ाई में बिजी है, मैं अपने शूटिंग में बिजी हूँ, तो ब्लॉग ही नहीं डाल पा रहे थे। बट मैंने फिर अपने आप से प्रॉमिस किया है कि अब से मैं रेगुलरली ब्लॉग्स डालूंगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं ब्लॉग्स डालूंगा। सो आज का ब्लॉग है, हम लोग पहुँच गए हैं ग्वालियर राकू से मिलने। सो प्लीज़ देखिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। Hey darlings, welcome back to my channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatinshah. And for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. आज आपको मेरी एक्साइटमेंट से पता चल गया होगा कि आई एम बैक टू मीटिंग माय डॉटर। सो आज उसका फाउंडर्स डे है, विच इज मोर और लेस लाइक एन एनुअल फंक्शन। सो आई हैड रीच्ड वन डे अर्लियर, मैं कल पहुंच गई थी। जतिन आज दोपहर को पहुंचने वाले हैं, बिकॉज आकू का फंक्शन शाम को है। बट ऑल्सो आई बिलोंग टू द सेम स्कूल। सुबह बेसिकली दे हैव ऑर्गेनाइज समथिंग फॉर द एलमनाइज फॉर द ओल्ड गर्ल्स, सो आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड होपफुली आई गेट टू मीट आकू फॉर लाइक 5-6 मिनट्स। एंड देन उसके बाद मैं आदि से मिलने जाऊंगी। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू व्लॉग एट आदि स्कूल ऑनो, बिकॉज बहुत ज्यादा कट टू कट चल रहा है। लाइक इट इज 10 o'clock, आई हैव टू मीट आकू, गो टू द स्कूल, वहां से आकू के स्कूल से मुझे आदि के स्कूल जाना है बिकॉज इट इज आदि'स बर्थडे टूडे। एंड वहां भी मुझे सिर्फ 1 घंटे की परमिशन मिली है। उसके बाद आई हैव टू कम बैक, गेट रेडी, एंड देन वी हैव टू गो फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ आकू। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, बट आई विल ट्राई एंड कीप यू गाइज फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन। एंड बेसिकली हमारा जो एनुअल फंक्शन विच इज द फाउंडर्स डे हैपन्स इन आर स्कूल, मेरे और आकू के स्कूल में। बेसिकली वहां ऐसा होता है कि एवरी 25 ईयर्स जिन्होंने पास आउट कर लिया होता है, दैट बैच इज कॉल्ड एवरी ईयर। सो इस ईयर 1998 का बैच आया हुआ है। दे वर माई सुपर सीनियर्स, हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, बट कपल ऑफ देम आई नो, सो इफ आई गेट टू व्लॉग विद देम आई विल। आई डोंट नो स्कूल में अलाउ होगा या नहीं, बट या दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रिवीलिंग the school to you guys with the name, because usually I was not very comfortable pehle jab tak aku settle nahi hui thi to tell you guys where she is or how she's doing, but now she's doing wonderful. So mera basically jo house tha Yashodhara house, wahan se I went and met all the captains and they were so happy with aku. The teachers are so happy with aku. Thankfully she's settled, because obviously घर पे सेटल होना इन academics, इन everything else is easier because you have your home to come back to. But and I had assumed first month जैसा गया था आकू के संग की थोड़ा भी एक साल लगेगा, but she's done such a wonderful performance in her sports, in her debates, in her taekwondo. In fact she's going for states in taekwondo, so she's performing really well. पढ़ाई में भी अच्छा ही कर रही है, so I'm so happy and I will keep you guys updated with me as much as I can. मॉर्निंग में आकू का स्कूल का टूर करके आई केम, तब तक जतिन आ गए और हम बहुत जोर से सो गए थे। वी आर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेट। से हाय टू मिस्टर शेरा। हेलो। सो जेशा बेसिकली कितने बजे उठे? कल रात में 1 बजे मेरा पैकअप हुआ, 2 बजे तक मैं घर पहुंचा, 2:15 बजे तक, 2:30 बजे तक मैं सोया। 4 o'clock का अलार्म रखा मैंने, और अलार्म रखने के बाद बहुत ही बुरी हालत थी क्योंकि 2 फ्लाइट चेंज करनी थी। तो मैं बॉम्बे से पहुंचा दिल्ली, दिल्ली से पहुंचा ग्वालियर, लेकिन बहुत टायरिंग था यार, हर फ्लाइट में सोते हुए आया मैं। बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। अब जा रहे हैं आपसे मिलने। सो वी विल मेक यू गाइस मीट आकू आल्सो एंड शो व्हाट शी इज डूइंग एज हर परफॉर्मेंस। मीना बाई थी, और मुझे ना बहुत
world believes that Sindhya Kanya Vidyalaya is a notch higher. Therefore, they have judged us as the number one plus girls residential school in the country. This is what they call super Siddhi Upar. चलते हुए जा रहा है क्योंकि हमारा रिक्शा चढ़ा ही नहीं ले पा रहा है। बगल में आके बैठ गया आपको आपके तो नहीं आ जाएगा।